नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रुचा गांधी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बहुचर्चित के ऊपर। और आज 4 नवंबर को रिलीज़ हुई मूवी तड़का Zee5 पर आ चुकी है और इस मूवी का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। इसमें बहुत दिनों बाद हमें नाना पाटेकर देखने के लिए मिलते हैं, तो उस हिसाब से मेरे एक्सपेक्टेशन इस मूवी को लेकर बहुत अच्छे थे, लेकिन ज़रा भी एक्सपेक्टेशन पर यह मूवी खरी नहीं उतरती। मुझे ये मूवी सच में कहूँ तो बहुत बकवास लगी, टाइम वेस्टिंग लगी, क्योंकि लेंदी है, बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लग जाती है। पुराने ज़माने के प्यार और अभी के ज़माने के प्यार को कंपेयर किया जाता है, एज यूज़ुअल दोनों फूड लवर होते हैं और पुराने टाइम के लव स्टोरीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, और एक कपल होता है जो कि आज के टाइम की लव स्टोरी को ज़्यादा पसंद करता है और एंड में जाके दोनों भी मिल ही जाते हैं। मूवी के अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें टर्न्स एंड ट्विस्ट जो दिखाया गया है, फूड लव जो दिखाया गया है, इन दोनों की बातें, कम्युनिकेशन, नाना पाटेकर की एक्टिंग, ये सब कुछ इसमें अच्छा है। लेकिन ओवरऑल मूवी अगर हम लोग देखें तो इसे मैं सिर्फ 5 में से एक ही स्टार देना चाहूँगी, वो भी इसकी स्टोरी, नाना पाटेकर की एक्टिंग, जो मैंने 2-3 प्लस पॉइंट बताए उसके लिए। बाकी इस मूवी में देखने लायक कुछ भी नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट है। बाकी अब इस पर ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, आप खुद देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।